उस बैठक के हिसाब से मुख्य मुख्य भूमिका इसमें शिक्षा विभाग की है और उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं, उनकी वैकेंसीज भी ज्यादा है और बाकी दोनों विभाग जो हैं वो उनके साथ जुट करके उसको काम करेंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्यक्रम शिक्षा विभाग और संबंधित अन्य दोनों विभाग उसमें आपको देंगे। हमारी ओर से इनको चरणबद्ध तरीके से एक एक करके हम अपना रिजल्ट देते जाएंगे और जैसे पिछले बार की भांति ही इस बार भी होगा। और आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने एक विस्तृत अनुदेश निकाला है इसमें कि हम सभी अभ्यर्थी को पिछले बार की तरह ही इस बार भी वो अपना डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे और जिसमें कि वाटर मार्क होगा और उसके बाद ही ले जा करके वहां देंगे। इस बार हम लोगों ने नए डॉक्यूमेंट को ऐसे ही अपलोड करने की कोई प्रावधान नहीं किया है। अगर कोई कैंडिडेट जो सफल कैंडिडेट अगर जाता है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग में और अगर संबंधित विभाग को लगता है कि हाँ इससे ये अतिरिक्त डॉक्यूमेंट लिए बिना इसकी पात्रता नहीं बनती है तो वो अतिरिक्त तब वो डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि हाँ इसको ओपन किया जाए हमारे पोर्टल पर, तब वो हमारे पोर्टल पर वो अपलोड कर सकेगा और उसके बाद उसको फिर से तब डाउनलोड करके वाटरमार्क के साथ फिर वो वहां पर जमा कर सकेगा। ये विवेकाधिकार जो है ये हम लोगों ने डिपार्टमेंट के पास में दिया हुआ है, हम कैंडिडेट्स को इस बार वो छूट नहीं दे रहे हैं। और आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों नहीं छूट दे रहे हैं, क्योंकि इसके पिछले बार हम लोगों ने कई तरह के छूट दिया था जो कि इसमें इस बार हम लोगों ने उतनी नहीं किया है और उसके सार्थक परिणाम भी निकले हैं। इस बार आप देखेंगे कि अगर 15 दिन के अंदर में अगर हम लोग फर्स्ट रिजल्ट देने की स्थिति में आ भी गए तो इसमें इस कारण से भी है कि अभ्यर्थी लोग इस बार गलती नहीं किए हैं, बहुत कम किए हैं। रोल नंबर्स की गलती जो इस बार जो हुआ है वो काफी कम है, तो पिछले बार इसी सब चीजों के कारण से लोगों को बहुत हम लोगों को भी टाइम लग रहा था। तो मैं समझता हूं कि साफ सुथरे परीक्षा दिया और साफ सुथरे तरीके से हम लोग रिजल्ट देंगे और सही समय पर देंगे और आपकी आशा से बढ़ करके हम आपकी उम्मीदों से बढ़ करके हम लोगों ने फास्ट तरीके से इसको दिया है। पिछले बार हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया था, इस बार फिर से कीर्तिमान स्थापित कर दिया और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पेपर लीक और पेपर वायरल बीपीएससी के लिए वो अब इतिहास हो गया है। कुछ रिजल्ट तैयार हो गया, जो परसेंटेज दे दीजिए, कुछ बता दीजिए कौन सा रिजल्ट जारी करेंगे सर, सिक्स टू एट का? जैसा मैंने बताया कि अभी कोई भी रिजल्ट बना नहीं है। अच्छा। हमारा होमवर्क तैयार हुआ है लेकिन रिजल्ट अभी नहीं बना, इसलिए कोई भी आंकड़े अभी हम उसमें बताने की स्थिति में नहीं है, हम बताने की स्थिति में नहीं है। आज शाम में या रात में जब भी वो रिजल्ट निकलेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि अभी जो रिजल्ट जो निकलने का विषय कौन कौन सा होगा, कौन कौन से पद का होगा वो और कुछ और अन्य आंकड़े जो हमारे हैं इसमें वो डिटेल में मैं शर्मा जी को कहूंगा कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर को कि वो बताएं, डिटेल्स बताएं और सचिव साहब सप्लीमेंट कर दें। धन्यवाद। चेयरमैन कर रहे तो बहुत डिटेल में बताया ही आपको, लेकिन हम लोग सबसे पहले प्रधानाध्यापक और मिडिल स्कूल में 6-8 का रिजल्ट जाएगा, तो अभी तक जो सेकेंड प्रोविजनल आंसर हम लोगों ने डाला है उसको पहले फाइनल करेंगे, क्योंकि उसका नियम है कि अंतिम आदर्श उत्तर जाता है उसके बाद ही होगा, तो अभी पहले सबसे पहले वही काम करेंगे कि आदर्श उत्तर हम लोग जारी कर देंगे, उसके बाद रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मिडिल स्कूल के लिए 6 जो शिक्षा विभाग का है उसमें गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, यही सब विषय है। इसमें से कितने आप अभी दे रहे हैं, आज कितने दे रहे हैं? आज हम लोग इसका मैथ और साइंस का, और जो प्रधानाध्यापक सर ने बताया कि ये तैयार स्थिति में है, मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग इसको डिस्क्लोज करेंगे। मैथ्स एंड साइंस एक ही पेपर है और हेडमास्टर ये कितना पद है वो आप वैकेंसी में है,
टोटल वैकेंसी हम बता देंगे। टोटल वैकेंसी आप ले लीजिएगा। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, इस जो परीक्षा हुआ इसमें हम ऐड करेंगे जरूर कि आयोग के कर्मी और पदाधिकारी दिन रात काम किए हैं और कोशिश किए हैं कि एरर फ्री हो, एरर फ्री रहने का है। और निर्विवाद निर्विवाद सर ने बताया कि क्वेश्चन वगैरह नहीं मारे हुआ, लेकिन इसमें सर का डायरेक्शन और करीबों हमारे पदाधिकारी और कंट्रोलर साहब और पदाधिकारी का बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग जो अभी नया सिस्टम है बायोमेट्रिक मिसपैक जो है, हम इसमें एक दो चीज ऐड कर देते हैं कि जो रिजल्ट जो निकलेगा हेडमास्टर में दो विभाग है और ईबीसी बीसी वेलफेयर और एससी एसटी वेलफेयर, इसका रिजल्ट निकल जाएगा। संगीत कला में भी दो डिपार्टमेंट का है, बीसी ईबीसी का 6-8 का है और एससी एसटी वेलफेयर का 6-10 का है, इसका भी रिजल्ट निकल जाएगा। और फिर उसका क्लास 6-8 जो है वो उसमें मैथ्स एंड साइंस एक पेपर है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ये आज निकल जाना चाहिए। सर सुषम साइंस भी इतना आज निकलने की संभावना है। और जैसा मैंने बताया कि बाकी भी टाइम टू टाइम आप अब लगातार निकलना शुरू हो जाएगा और आप लोग एवरीडे कुछ न कुछ उसमें आपको रिजल्ट दिखते रहेगा। और ये चलेगा प्रक्रिया, क्योंकि जैसे हमने कहा कि लास्ट एग्जाम 18 तारीख को ही कंप्लीट हुआ है, तो उनके जो पेपर्स हैं वो सबसे अंत में हो पाएंगे, क्योंकि उनका एसओपी भी जो हमारा आंसर की का सबसे अंत में कंप्लीट होगा एसओपी, तो इसलिए आप लोग को लगातार लेकिन मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अनुरोध है कि अब कट ऑफ का जो 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 अनावश्यक जो चर्चा है वो न करें, उससे हम लोग काफी फास्ट हैं। आपको इतना मौका ही नहीं मिल रहेगा कि आप जब तक कट ऑफ के लिए चिंता करेंगे तब तक रिजल्ट आएगा। मोटा मोटी आपका टारगेट बीबी का डेट देख रहे हैं 26 तक लग रहा फिनिश हो जाएगा। नहीं नहीं, 26 से तो डीबी स्टार्ट होगा, 26 से डीबी स्टार्ट होगा। डेडलाइन दे लास्ट डीबी का मैं कोई डेडलाइन नहीं दूंगा, क्योंकि डीबी का कार्यक्रम तो मैं नहीं करूंगा, वो तो मैंने बताया कि संबंधित विभाग अपना करेंगे। रिजल्ट्स का मैंने बताया कि हमारा जो एसओपी है आंसर की का, बिना मैं उसको पूर्ण किए हुए रिजल्ट नहीं दूंगा। हमारी अपनी सभी तैयारी हो जाने के बाद भी मुझे उसके लिए वेट करना होगा। स्वाभाविक है कि हम उसके बाद ही मार्किंग कर सकते हैं, मार्किंग हम कंप्यूटर से ही करते हैं इसलिए टाइम नहीं लगता है, लेकिन हम जब तक आंसर की नहीं फाइनल होगा तब मार्किंग नहीं हो सकता है। जब तक मार्किंग नहीं होगा तब तक मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा तब तक रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर से होने लग गया है अब। इसलिए हमारी तैयारी है और जैसे जैसे हमें आएगा आंसर की फाइनल होता जाएगा, हम वैसे वैसे रिजल्ट देते चले जाएंगे। आपको हमारे पोर्टल से आप लोगों को मिल जाएगा कि कितने इसका रिजल्ट आज निकला, किसका रिजल्ट। हाँ सर, वो तो हम लोग अपना डाल ही देंगे, हम लोग तो इसमें तो छुपाने वाली कोई बात तो है ही नहीं, तो रिजल्ट तो प्रकाशित कर रहे हैं। कल जो आप निकाल रहे हैं वो साइट पे कि 40% रहेगा वो सामान्य के लिए, देखिए देखिए फिर मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि रिजल्ट बना नहीं है, वो जो प्रावधान थे उसका उल्लेख किया गया है। और वो इसलिए उल्लेख किया गया है क्योंकि TRE-1 में कई शिकायत आई थी, करीब 498 शिकायतें ऐसी थीं जिसमें उस कैंडिडेट का कहना था, और उसका कहना सही भी था, कि उसे उस कैटेगरी के मतलब जनरल कैटेगरी के यूआर कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर था और फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जैसे 39 था और उस कैंडिडेट को जैसे 43 नंबर आया है और वो यूआर कैटेगरी का कैंडिडेट है,
फिर भी उसका चयन नहीं हुआ। स्वाभाविक है कि किसी को भी ऐसा समझ करके, ऐसा सुन करके या लगेगा कि क्या गलती हुई है। इसी चीज को समझाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए कि फिर से इसी तरह का मतलब कंफ्यूजन लोगों के मन में न हो, हम लोगों ने वो प्रावधान वहां पर पूरा एक्सप्लेन किया है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों के माध्यम से कैंडिडेट्स भी समझ जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। 39 नंबर अगर कट ऑफ है और अगर कैंडिडेट को 43 नंबर्स आया है फिर भी उसका क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे यहां पहला जो है क्वालिफाइंग कट ऑफ है। क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जो कि जीएडी का सर्कुलर है, जो 40% है, 32% है, 35% है वगैरह वगैरह। ये हमारे स्टैंडर्ड जो है पहले से बने हुए हैं। तो 40% जो होता है यूआर के लिए क्वालिफाइंग होता है वो 48 मार्क्स हो गया। 120 में 40% इज 48 मार्क्स। जिस कैंडिडेट, जो यूआर कैंडिडेट जिसको 48 नंबर से कम आएगा, जैसे जिसको 43 नंबर आया था, वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगा क्योंकि तो क्वालिफाई ही नहीं कर रहा है। तो जिसको 43 नंबर आया वो तो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। तो अब जिसको 39 नंबर आया वो मेरिट लिस्ट में कैसे आ गया? अगर कोई कैंडिडेट, जो हमारे जो रिजर्वेशन के जो सिस्टम है उसमें यह होता है कि कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का अगर है भी, लेकिन अगर अपने मेरिट से और वैकेंसी के हिसाब से अगर जनरल में अगर आ जाता है तो उसको जनरल ही माना जाता है और रिजर्व कैटेगरी का कोटा खाली रहता है। तो जो कैंडिडेट 39 नंबर लाया रिजर्व कैटेगरी के लिए, उसका 39 ही उसका क्वालिफाइंग कट ऑफ है। तो 39 नंबर ला करके वो क्वालिफाई तो कर गया, तो इसलिए वो मेरिट लिस्ट में तो आ गया। अब जब रिजल्ट बनाने लगे तो चूंकि जनरल की वैकेंसी इतनी ज्यादा थी और कैंडिडेट्स इतने कम थे कि जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे वो जनरल कैटेगरी में भी बुक हो गए, तो जो लास्ट कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट है वो वास्तव में रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है और उसका नंबर 39 उसके लिए क्वालिफाइंग उसका मार्क्स है, उसका वही मार्क्स है, इसलिए वही उसका कट ऑफ हो गया। लेकिन जो 43 नंबर ला करके जो छट गया वो कैंडिडेट वास्तव में यूआर कैटेगरी का ही है और यूआर कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है 48 मार्क्स है, इसलिए वो 43 नंबर ला करके वो लिस्ट से छट गया। अब ये हमारी व्यवस्था ऐसी है। अब इस व्यवस्था की का ज्ञान नहीं होने के कारण से या कंफ्यूजन होने के कारण से 498 लोगों ने एफिडेविट करके पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज किया। ये शिकायत उन्होंने दर्ज किया।